वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेसिस। सबसे पहले एपिस्टेसिस की डेफिनेशन। तो किसी एक लोकस के ऊपर जो है जो जीन या जीन पेयर मौजूद होता है उसका इफेक्ट जो है इंटरफेयर करता है, असर डालता है किसी भी दूसरे लोकस पे मौजूद जीन या जीन पेयर के इफेक्ट पर। यानी एक जीन जो है जो कि क्रोमोसोम में किसी एक जगह पे मौजूद है वो दूसरी जगह पे मौजूद जीन के इफेक्ट के ऊपर असर डालता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। यानी ये फिनोमिना क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। एपिस्टेसिस जो है इसको डोमिनेंस के साथ आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और डोमिनेंस जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखता है। तो थोड़ा सा डोमिनेंस के बारे में भी आप देख लें कि डोमिनेंस जो है वो रिलेशनशिप होता है अलील्स के दरमियान में कि सेम जीन्स जो है वो सेम लोकस के ऊपर पाई जाती हैं। यानी एक ही जगह पे जीन्स पाए जाते हैं और आपस में जो है वो रिलेशनशिप रखते हैं, तो इसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। जबकि एपिस्टेसिस जो है बिल्कुल इसके डिफरेंट है। यानी जीन्स जो है वो डिफरेंट लोकाई में पाए जाएंगे, डिफरेंट लोकस में पाए जाएंगे और आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। लोकस कहते हैं हम द पोजिशन ऑफ ए जीन इन ए क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम में जीन की पोजिशन को हम लोकाई या लोकस कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा जो है टॉपिक है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है और इसको जो है वो डोमिनेंस के साथ मिक्सअप नहीं करना।